नमस्कार दोस्तों, विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारा ये कोर्स का छठा लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स और टेंशन फोर्स की बात करेंगे कि स्प्रिंग में फोर्स कैसा लगता है और तनाव बल होता है वो क्या होता है, यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं स्प्रिंग फोर्स। देखो, जब हमने दोलन का कंसेप्ट पढ़ा था, तब भी हमने पढ़ा था कि यदि किसी स्प्रिंग पर कोई वजन है, जैसे ये एम द्रव्यमान है, इसको हमने लटकाया है, अगर इसको हम खींच के छोड़ते हैं तो क्या कंडीशन होती है वो देखो। एक बार एग्जाम्पल के लिए, जैसे इस स्प्रिंग पर किसी वजन लटकाया और इस वजन को हम यहाँ पर खींच रहे हैं, तो बच्चों देखो एक बार विस्थापन किधर हो रहा है। विस्थापन हो रहा है इधर, विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रहा है, आपको दिख रहा है। यहाँ पर यह व्यक्ति क्या कर रहा है, इस स्प्रिंग को इधर की ओर खींच रहा है, मतलब विस्थापन इधर हो रहा है। और ध्यान रखना, हमने दोलन में पढ़ा था कि बल लगेगा वो हमेशा विस्थापन के विपरीत लगेगा, ठीक है? तो बल किधर लगेगा, बल लगेगा इधर, फोर्स किधर लगेगा इधर, ठीक है बच्चों? ध्यान रखना, जब हमने दोलन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि स्प्रिंग में लगने वाला फोर्स होता है, हमने फोर्स की बात कर ली है, वो हमेशा क्या होता है, विस्थापन के समानुपाती होता है। ये हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी दोलन की। दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि लगने वाला बल हमेशा विस्थापन के अपोजिट होता है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया। माइनस क्या बता रहा है, माइनस डायरेक्शन बता रहा है कि बल की डायरेक्शन हमेशा विस्थापन के यहाँ पर अपोजिट होती है। अब एग्जांपल देखो एक बार, यहाँ पर तीन कंडीशन देखो। जैसे मान लो ये कोई एम द्रव्यमान है, इसको हमने स्प्रिंग से अटैच कर रखा है। यहाँ पर क्या हुआ, ये बिंदु ए है, वो एक इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था है। पहली कंडीशन में ये क्या होगा, स्प्रिंग अंदर की ओर गई, तो विस्थापन किधर हुआ, विस्थापन इधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। बल कैसे लगेगा, ऐसे विस्थापन के अपोजिट। मान लो दूसरे वाली कंडीशन में विस्थापन इधर हो रहा है, देखो विस्थापन किधर हो रहा है, इधर, इस कंडीशन सी में विस्थापन आगे की ओर, तो बल किधर लगेगा, इसके अपोजिट। यही समझने के लिए हमको स्प्रिंग फोर्स, ये तीनों कंडीशन समझने के लिए ही हमको स्प्रिंग फोर्स समझना है। तो मैं इस कंडीशन में क्या बोल सकता हूँ कि लगने वाला फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, वो विस्थापन के तो समानुपाती है। विस्थापन क्या बोल दिया मैंने, एक्स। विस्थापन को क्या बोल दिया, स्मॉल एक्स। विस्थापन के तो समानुपाती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, माइनस एक्स। तो बच्चों, अगर आपको बोले कि स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, हमेशा मेन पोजिशन की तरफ, देखो ये क्या हो गया, इसको आप ये बोल दो ये माध्यवस्था है। ये क्या है, माध्यवस्था, या इसको इंग्लिश में बोल दिया हमने मेन पोजीशन है, ये है मेन पोजीशन। तो बल हमेशा किधर लगेगा, मेन पोजीशन की तरफ। स्प्रिंग फोर्स हमेशा और हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लगेगा, विस्थापन के अपोजिट होगा, माइनस डायरेक्ट आपको बता रहा है, ठीक है? अब क्या करते हैं, हम जब हम इसको समानुपाती का या प्रोपोर्शनल साइन का निशान हटाते हैं, तो हम एक स्थिरांक लगाते हैं। तो हमने एक स्थिरांक लगा दिया, उसको बोल दिया हमने k, f बराबर माइनस के एक्स, और इसी k को हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट। इस k को हमने बोल दिया स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है? स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर विस्थापन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों? और स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो तो अभी हम बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। स्प्रिंग कांस्टेंट, या आप इसमें हिंदी में बात कर लो तो यहाँ पर बोल दिया स्प्रिंग नियतांक। देखो, स्प्रिंग को हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पहला अरेंजमेंट है वो है सीरीज में, दो स्प्रिंग को हमने सीरीज में लगा दिया, पहले का K1 है और दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K2 है, ठीक है ना? इसको इसको मैंने क्या बोल दिया, K1, और ये K2, ये मैंने क्या लगा रखा है, स्प्रिंग को सीरीज में लगा रखा है। दूसरा स्प्रिंग को हम लगा सकते हैं पैरेलल, लगा सकते हैं समांतर। दूसरा हमने कनेक्शन कर दिया स्प्रिंग का, वो कर दिया हमने समांतर क्रम में। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लिया K1 और इसका मान लिया K2, दोनों पे अपने एक वजन लटका रखा है, स्मॉल m का है। अब हमको देखना है कि सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है, तो देखते हैं एक बार। यहाँ पर जब सीरीज कनेक्शन होगा तो हमको टोटल निकालना है, इसका मतलब हमको इक्विलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विलेंट
स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट आप ये बोल सकते हो टोटल क्या होगा, इस दोनों स्प्रिंग की वजह से टोटल क्या होगा और इन दोनों की वजह से टोटल क्या होगा। तो पहले की बात करते हैं अपन, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं सीरीज की, इसकी बात कर रहे हैं। देखो सीरीज में क्या होगा, जो के इक्विलेंट होगा वो आप ध्यान रखना के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू, ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, ये हो जाएगा सीरीज के लिए स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इक्विलेंट। और जब हम पैरेलल की बात करेंगे, इसके बात करेंगे, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे के वन प्लस के टू, ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होगा, जुड़ जाएगा दोनों के लिए, यह हो जाएगा के इक्विलेंट या टोटल स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो देख लो एक बार। इसका ऐसा पूछा जाता है, मान लो कि एक स्प्रिंग है, यहाँ पर दो है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है टू, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है टू, और यहाँ पर कोई वजन लटका रखा है। आपको पूछा है कि इसका टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, अगर आपको बोल दें कि टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक कितना होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या बताया मैंने सीरीज के लिए क्या होता है, सीरीज के लिए मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको कि के इक्विवेलेंट निकालना हो तो के वन गुणा के टू अपॉन के वन प्लस के टू, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लेना। तो देखो एक बार, के वन कितना है टू, के टू कितना है टू, तो टू इंटू टू अपॉन टू प्लस टू, जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एक आ जाएगा। तो दोनों को अगर अपन कंबाइंड करेंगे तो अपने पास स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना आ जाएगा, एक वन आ जाएगा ना, ये के इक्विवेलेंट आ जाएगा अपने पास टोटल। इस तरह से ऐसा भी आ सकता है कि आपके पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन भी दे सकता है आपको दो स्प्रिंग का, यहाँ पर कोई वजन है उसको लटका रखा है, ये मान लो कि चार हो गया और ये दो हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, के वन फोर है के टू टू है, आपको के इक्विवेलेंट पूछे तो आपको बताया बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं दोनों को जोड़ दो आप, फोर प्लस टू के वन प्लस के टू। देखो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर देखो एक बार, पैरेलल के लिए केवल जोड़ना है दोनों को, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर सिक्स, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ गया अपने पास, तो स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो आपको दोलन की बात ध्यान रखना है, तो स्प्रिंग में कौन सी गति हो रही है, स्प्रिंग में दोलन गति हो रही है, ठीक है बच्चों, या ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, तो स्प्रिंग में ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, तो सारी कंडीशन है वो ऑसिलेटरी मोशन वाली यहाँ पर लग जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमने यहाँ पर स्प्रिंग फोर्सेस पढ़ लिया, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर तनाव बल, तनाव बल, ये हमने इसको बोल दिया टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। देखो तनाव बल क्या होता है वो देखना, द फोर्स एग्जिस्टेड है ना एक्सर्टेड बाई ए रोप केबल चेन एटसेट्रा इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ टेंशन, मतलब कोई रस्सी है केबल है चेन है, वहां पर मान लो किसी वजन को हमने लटका रखा है, जैसे मान लो ये कोई एम द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने लटका रखा है, और ये कोई एक केबल अपने पास या कोई रोप है, तो क्या होगा इस रोप पर टेंशन होगा, इस रोप पर कोई ना कोई टेंशन होगा। आप इसको इस तरह समझना, जैसे अपने कोई एक रस्सी ली और रस्सी पे हमने एक किसी ऑब्जेक्ट को लटकाया, इस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान है स्मॉल है, अब देखो नीचे की ओर कितना बल लगेगा, नीचे की ओर लगेगा बल, हमको पता है बहुत बार पढ़ लिया हमने बाहर के बराबर लगता है W बराबर mg, तो इस ऑब्जेक्ट पर नीचे की ओर बल लगेगा वो लगेगा इसके वेट के बराबर बाहर के बराबर W बराबर mg। अगर मान लो कि ये नीचे ही फोर्स लगता तो ये वस्तु नीचे आ जानी चाहिए, लेकिन ये वस्तु क्या है अभी स्थिर है, और हमने पढ़ा था जब वस्तु स्थिर होती है तो बैलेंस्ड फोर्स होता है। मान लो कि ये वस्तु अगर फोर्स नीचे ही लगता सिर्फ तो ये वस्तु नीचे आ जानी चाहिए, ये वस्तु स्थिर है, इसका मतलब कोई ना कोई तो अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इधर फोर्स लग रहा है और वो फोर्स किस में लग रहा है, इसे रोप में लग रहा है, इसे रस्सी में लग रहा है, ठीक है ना, इससे केबल में लग रहा है, तो इसी फोर्स को हमने क्या बोल दिया तनाव बल, ठीक है बच्चों, और इसको टेंशन फोर्स बोल दिया, इसलिए कैपिटल टी हमने इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर समझने वाला कंसेप्ट ये है कि तनाव बल होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अवे होगा, अब ऑब्जेक्ट से दूर होगा, जैसे ये द्रव्यमान है ना, तो तनाव हमेशा क्या होगा द्रव्यमान से अपोजिट होगा, डायरेक्शन ही होगी हमेशा, ध्यान रखना।
देखो तनाव इस वाले रस्सी में तनाव कहाँ लगेगा, जैसे मैंने ये बिंदु बोल दिया ए और इस बिंदु को बोल दिया बी मान लो, तो बिंदु ए पर तनाव क्या होगा, तो आप ध्यान रखना हमेशा पॉइंट से बाहर की तरफ होगा, तो यहाँ पर तनाव ये हो गया। बिंदु ए पर तनाव इस तरफ हो जाएगा और बिंदु बी पर तनाव ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है। और एक ही स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर रस्सी मान लो या केबल मान लो, एक ही रस्सी में तनाव समान होता है, समान होता है, ठीक है। तो इस रस्सी में इधर भी तनाव समान है और इधर भी तनाव समान है, तो आपको डायरेक्शन हमने बता दी, ठीक। तो अगर आपको देखो यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो नीचे की ओर फोर्स क्या लगेगा, नीचे की ओर mg लगेगा, ऊपर की ओर क्या लगेगा, तनाव लगेगा। तनाव क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा, देखो पास नहीं आ रहा, दूर जा रहा। अगर आप यहाँ पे बोलोगे तो तनाव क्या होगा, यहाँ पे तनाव ये रहा, यहाँ पे तनाव ये रहा, ठीक है बच्चों। तो टेंशन फोर्स आपको पता लग गया होगा, ये आपको अभिकेंद्रीय बल पढ़ाएंगे तब और ज्यादा यहाँ पर काम आएगा। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, देखो सॉरी यहाँ पर वही एग्जाम्पल है, कोई वजन लटका रखा है, तो नीचे की ओर mg लगा, ऊपर की ओर तनाव लगा, टेंशन फोर्स ऊपर की ओर लगा, और ये डायरेक्शन आपको बता रखे हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति बैठा है तो इसका टेंशन ऊपर की ओर लग रखा है, ठीक है ना। तो ये भी आपको एग्जाम्पल, देखो ये एग्जाम्पल समझना आप, तो व्यक्ति है यहाँ पर, ये इसको समझो एक बार कि इस व्यक्ति ने, ये दोनों इस रस्सी को खींच रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप तनाव की बल बात करोगे, यहाँ पर तनाव की बात करोगे तो ये इससे दूर जा रहा है, इधर की आप तनाव की बात करोगे तो ये इससे दूर जा रहा है, ठीक। तनाव दोनों का समान है, ध्यान रखना तनाव दोनों में समान है, लेकिन ध्यान रखना इस तनाव की डायरेक्शन देखना, आप दोनों पॉइंट से अपोजिट जा रहे हैं। अगर यहाँ पर तनाव की बात करोगे तो इधर से अपोजिट बता देना, यहाँ के तनाव की बात करोगे तो यहाँ पर इसका अपोजिट बता देना, ठीक है बच्चों, इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने देखा है यहाँ पर तनाव बल क्या होता है, और यहाँ पर तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और थैंक यू वेरी मच।